दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल फूड टेक में। दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंघल। मुझे 35 ईयर का फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी का मल्टीनेशनल कंपनी का एक्सपीरियंस है, जहां मैंने डेयरी फूड बेवरेज ऑयल्स इसका काफी एक्सपीरियंस लिया है। और उसी आधार पर मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आपको बताना चाहूंगा के मस्टर्ड ऑयल बेटर है या घी, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल बेटर है या घी। हालांकि दोनों हेल्दी फैटी एसिड हैं और दोनों ही खाने में हमें हेल्दी हैं, मगर यह है कि घी और तेल हमें कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। दोस्तों, मैंने आगे कुछ क्लिप दिखाऊंगा आपको। दोस्तों, घी को जो है, घी खाने में बहुत स्वादिष्ट है, बहुत हेल्दी है और इसमें विटामिन ए डी ई एन के मिनरल्स और बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं, और जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमको हेल्दी बनाता है, और ये खाना भी जरूरी है। मगर दोस्तों, सरसों का तेल भी किसी से कम नहीं। सरसों का तेल जो कच्ची घानी तेल होता है, जो कम टेम्परेचर पर पकाया जाता है और बढ़िया होता है, उसको जो है वो खाने में और भी स्वादिष्ट है। मगर जहां मैं तो यही आपको सलाह दूंगा कि जो फ्राई करके चीज खाएं वो सरसों के तेल में खाएं, और घी का इस्तेमाल मिठाइयों में या रोटी चुपड़ने में या दाल का छौंक लगाने में ऐसे करें, डीप फ्राई ना करें। ये है फॉर्च्यून का कच्ची घानी। कच्ची घानी जो है सभी तुलनाओं में बहुत कम तापमान में बनाया जाता है ये, और इसमें बहुत पौष्टिक तत्व रहते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर हम कम रखते हैं। ये फॉर्च्यून का है जो रेपुटेबल ब्रांड का है। हालांकि देसी घी और सरसों के तेल में हेल्दी फैट्स होते हैं और इसमें विटामिन ई, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ये ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड से भरपूर होता है। ये बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसमें क्या है, इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये तेल में एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और एंटी फंगल गुण होते हैं। तो सरसों का तेल जो है बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ज़्यादा हमें उनको इस्तेमाल करना चाहिए। सरसों के तेल के फायदे अनगिनत हैं। ये गठिया रोग, जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। इसमें विटामिन ई की अच्छी मात्रा होने से जो है ये हमारी अल्ट्रावायलेट किरणों को बचाता है और पॉल्यूशन से बचाता है, और झाइयाँ झुर्रियाँ भी ठीक करता है। और घी जो है, घी बहुत पौष्टिक होता है, मगर घी का इस्तेमाल हम कम है कम से कम करना चाहिए क्योंकि इससे वजन बढ़ता है। हालांकि घी भी जो है बहुत इसमें हेल्दी फैटी एसिड होते हैं, विटामिन ए होती है, डी होता है, की होता है, के होता है, और भी बहुत हेल्दी फैट होते हैं। इसलिए विटामिन और इस ऑयल में क्या है, ऑयल खाने में पंजन ध्रुव होता है। मैं टेस्ट कर दिखा रहा हूँ आपको, ये पंजन ध्रुव होता है, मगर ये जो है बहुत हेल्दी होता है। इसलिए बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई सरसों का तेल अच्छा है घी अच्छा है। मैं कहूँगा कि सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा है, घी तो अच्छा है ही है। और घी का जो है खाने में टेस्ट होता है, इसलिए फ्राई करके हमेशा जो है तेल का इस्तेमाल करें, और घी का इस्तेमाल जो है कम फ्राई में करना करना चाहिए, और घी बहुत ही टेस्टी है। लोग अक्सर पूछते हैं कि मस्टर्ड ऑयल बेटर है या घी। हालांकि मैं बताऊंगा कि घी में क्या होता है, 65% सैचुरेट फैट होते हैं और 32% मोनो अनसैचुरेट फैट होते हैं, और 3% से लेकर 6% तक जो है पॉली अनसैचुरेट फैट होते हैं। और तेल में क्या होता है, इसे उल्टा होता है। तेल में जो है मूफा और पूफा ज़्यादा होते हैं। पीली सरसों का तेल हमें फायदेमंद है, ये हमें जो है इसके हैरान कर देने वाले फायदे हैं। ये त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है, हमारी भूख को बढ़ाता है, वजन घटाने में मददगार है, अस्थमा की रोग के लिए फायदेमंद है, दांत के दर्द में फायदेमंद है, और ये रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। फ्रेंड्स, आपने मेरे घी और सरसों के तेल के बारे में समझ लिया होगा, और ये समझ लिया होगा कितना ये हेल्दी है और कितना हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें,
और कोई कमेंट हो तो क्वेरी, कमेंट या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड लक, सी यू अगेन।